ये इतने ज़्यादा वायरल टोनर्स हैं, हर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है। आपके लिए इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा, आपको कौन सा परचेज करना है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे दो वायरल फेस टोनर शेयर करने वाली हूँ जो कि इतने ज़्यादा ट्रेंडी हैं, सभी के स्किन में ऑलमोस्ट ये सूट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और दोनों एक ही ब्रांड के हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना है, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, दीज आर द टू टोनर्स बाय प्लम। एक है राइस वाटर एंड नायसेनामाइड टोनर, सेकेंड वन इज बुल्गेरियन वैली रोज वाटर टोनर। आपने बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को इन दोनों टोनर्स को यूज़ करते हुए देखा होगा, तो ये टोनर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम इस टोनर के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज प्लम नायसेनामाइड एंड राइस वाटर टोनर। तो इसमें है नायसेनामाइड 3%। नायसेनामाइड आपको पता है ये स्किन के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके जो ओपन पोर्स हैं, बड़े बड़े पोर्स हैं, उनको क्लोज करने में, मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। और नायसेनामाइड ना आपकी स्किन का जो पिगमेंटेड एरिया है, डार्क स्किन है, उसको भी ब्राइटन करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली नायसेनामाइड बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये हर एक स्किन पे चला जाता है, चाहे आपकी ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली, ये हर एक स्किन टोन पे नायसेनामाइड यूजली चला ही जाता है। राइस वाटर ज़्यादातर जो कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें यूज़ होता है। ये आपकी स्किन को ना ब्राइटन अप करता है, जैसे आप कहते हो ना ग्लास स्किन, ये आपको वही देता है। तो ये टोनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री है, कोई भी पैराबेन, सल्फेट, कुछ भी हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं यूज़ किया गया है। तो इस टोनर की क्वांटिटी है 150 ml, प्राइस इसका है 420 rupees। बट क्या आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर अमेजोन, नाइका, किसी भी ऐप पे आपको ये डिस्काउंट पे ज़रूर मिल ही जाएगा। ये ना बाय द वे इसकी पुरानी पैकेजिंग है, ये मेरी पुरानी बॉटल है, मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया, आप देख ही सकते हैं इतना ही रह गया है। तो इसकी जो न्यू पैकिंग है ना, वो स्प्रे टाइप में है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसको लगाना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि आप इसे कॉटन पैड में लेके या फिर ऐसे ही हैंड में लेकर आप इसको अप्लाई करना पड़ता था। बट अब इन्होंने जो इसकी न्यू पैकिंग निकाली है ना, वो स्प्रे फॉर्म में है, तो वो यूज़ करनी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आप डायरेक्टली फेस पे स्प्रे कर सकते हो। तो बेसिकली ये टोनर आपके ब्लैमिशेज को फीड आउट करने में हेल्प करेगा, आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। क्लैरिटी बूस्ट टोनर है क्योंकि इसमें राइस वाटर यूज़ किया गया ना, तो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। अब क्वेश्चन ये है कि टोनर को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो जब हम अपना फेस वॉश करते हैं ना, फेस वॉश करने के तुरंत बाद हमें टोनर जो है अप्लाई करना होता है, क्योंकि फेस वॉश करने के साथ हमारी स्किन का जो पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ये आपके पोर्स को भी क्लोज कर देता है और साथ ही में ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी दे देता है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही अपने हैंड में लेके ना अपने फेस पे डैप डैप करके अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, आप इसे कॉटन पैड में लेके भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया राइस वाटर एंड नायसेनामाइड टोनर, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड टोनर है वो है बुल्गेरियन वैली रोज वाटर टोनर। बेसिकली ये रोज वाटर टोनर है, हर एक स्किन टाइप पे ये सूट हो ही जाता है। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं, ये 100 ml की क्वांटिटी में है, इसका प्राइस है 225 rupees। अगेन आपको ये डिस्काउंट पे इजिली इसकी साइट पे या फिर अमेजोन नायका पे मिल जाएगा। तो इसमें यूज किया गया बुल्गेरियन वैली रोज वाटर, तो जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी स्किन को सूट करेगा, नरिश करेगा। इसमें यूज़ किया गया है विच हेजल। विच हेजल आपके पोर्स को टाइटन और श्रिंक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें यूज़ किया गया हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड ना आपकी स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, साथ ही में आपको ना बाउंसी और प्लम्पी इफेक्ट भी देता है। तो आपकी स्किन अगर काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है तो आप ये वाला टोनर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसमें जो तीनों इन्ग्रीडियंट है, जैसे विच हेजल हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया और रोज वाटर हो गया, तीनों ही मिल करके ना आपकी स्किन को काफी ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स देंगे। तो अगेन इसमें भी कोई भी हार्मफुल केमिकल, सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, प्लस ये भी फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। गाइज, इसकी ना जो स्प्रे है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कई स्प्रे कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा आपके फेस में ऐसे डायरेक्टली जैसे पानी फेंक दिया होता है ना, ऐसा लगता है। तो ये स्प्रे इसकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना है।
तो सबसे पहले जो ये नियासिनामाइड एंड राइस वाटर टोनर है, अगर आपके फेस में ब्लेमिशेज है, आपकी स्किन जो है वो अनइवन है, आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स हैं, तो आपकी ऑयली स्किन है, तो आप ये वाला टोनर जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आपकी स्किन को बाउंसी इफेक्ट देगा, प्लम्पी बनाएगा। तो बेसिकली ये वाला टोनर ना हाइड्रेशन के लिए, डल ड्राई स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये वाला टोनर जिनके ओपन पोर्स हैं, एक्ने प्रॉन स्किन है, ब्लेमिशेज हैं, तो ये वाला ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप 16+ हो तो आप इन दोनों टोनर को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, आप इस टोनर को इस्तेमाल कर सकते हो। गाइज मुझे ना ये दोनों ही टोनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं ये दोनों ही काफी ज्यादा यूज करती हूँ। तो बेसिकली इसे मैं जैसे अभी जैसे समर चल रही है, मेरी स्किन ऑयली हो जाती है, तो इसे मैं अभी यूज कर रही हूँ। कई बार मुझे मेकअप वीडियो शूट करना होता है तो स्किन जो है वो काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड लगती है, तो मैं इस टोनर को यूज कर लेती हूँ। मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो जल्दी मुझे कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो ये दोनों टोनर मेरी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। इनके साथ मुझे कोई भी फेस में इचीनेस फील नहीं हुई है, कोई भी ऐसे पिंपल और एक्ने वगैरह कुछ भी मुझे फेस नहीं करना पड़ा। तो ये दोनों ही टोनर काफी ज़्यादा अच्छे, मैं तो ये कहूँगी कि आप ये दोनों ही बाय करके रख लो, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग ना आपकी स्किन भी चेंज होती रहती है, तो आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से ना मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है ना उसे भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।